हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर दिखाएंगे जिसमें कि कोई एरर आ रही थी जिसके कारण ये प्लांट को शट डाउन कर दे रहा है। तो हम इसका इंटरनल पार्ट्स आपको दिखाएंगे। ये ग्रोवाट का 10 किलोवाट का इन्वर्टर है, आप देख सकते हो। ये इसका डीसी स्विच है एंड ये पीवी इनपुट है, ये कम्युनिकेशन पोर्ट है, ये यूएसबी पोर्ट है, ये एसी आउटपुट सॉकेट है। हम आपको इसकी रेटिंग भी दिखा देते हैं। ये देखिए ग्रोवाट का 10 किलोवाट का है इन्वर्टर, बहुत शानदार है। और ये हमारा प्लांट लगा हुआ है 20 किलोवाट का प्लांट है, 20 प्लस 10 का है। ये हमारे वर्धा इंस्टॉल किया गया। आपको इसके इन्वर्टर्स वगैरह डीसी डीबी एसी डीबी वो भी दिखा देते हैं। ये सारा सिस्टम लगा हुआ है। ये देख सकते हो अभी प्लांट रनिंग कंडीशन में है, दोनों के सिग्नल्स ऑन है। ये वाला प्लांट है, ग्रोवाट के इन्वर्टर लगे हुए हैं एंड विक्रम सोलर की हाफ कट मोनोपर्क पैनल्स लगे हुए हैं 345 वाट की एंड इसकी आउटपुट करीब पर किलोवाट 5 से 6 यूनिट बैठती है। बहुत ही शानदार प्लांट लगा हुआ है। चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ, ग्रोवाट का इन्वर्टर है। इसको हमने स्क्रू खोल चुके हैं, ये एलन की हेल्प से। बैक साइड में एक एलन की स्क्रूज होते हैं, वो खोल चुके हैं। और ये इसका पैनल है, इसमें एक एरर आ रही है कि ये वाला जो फैन है ये वर्क नहीं कर रहा, जिसके कारण की हीटिंग हो रही है। सो हम लोग इसको रेक्टिफाई करेंगे एंड देन इसको दोबारा इंस्टॉल करना है साइड पे। आप देख सकते हैं इन्वर्टर ऐसा अंदर से ऐसा दिखता है। इस टाइप का है, ये इसकी डीसी साइड है, ठीक है, एंड ये वाली इसकी एसी साइड है। ग्रोवाट का इन्वर्टर है। थैंक यू।